नमस्कार, मेरा चैनल पे आने के लिए सबको फिर से और एक बार नमस्कार कर रहा है। और मेरे पास एक लेटेस्ट मॉडल का लेनोवो आइडिया फेयर 330 और दो लैपटॉप आया है। दोनों का सेम प्रॉब्लम है, कीबोर्ड नॉट वर्किंग, मतलब कीबोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसका पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, लैपटॉप को कैसे ओपन करना है और कैसे ये लैपटॉप का कीबोर्ड को रिप्लेस करना है। अभी चलो मैं स्टार्ट कर रहा है। पहले तो लैपटॉप का बैक साइड पे सब स्क्रू ओपन कर लेंगे, जितना स्क्रू है सब स्क्रू को देख के पहले इसको निकालेंगे, फिर जाके इसका आराम से इसका कैबिनेट को, बैक साइड का कैबिनेट जो होता है वो कैबिनेट को निकालेंगे। अभी एक एक करके स्क्रू खुल रहा है, मतलब। और एक चीज़ मैं बता रहा है, ये लैपटॉप का वैगलाइट कीबोर्ड है और मेरा पास जो कीबोर्ड है वो वैगलाइट का कीबोर्ड नहीं है। बस आप लोगों को ये भी सिखाएंगे कि वैगलाइट कैसे बनवाना है, तो आप लोग देखते रहिए। नॉर्मल कीबोर्ड को कैसे बैकलाइट बनाता है वो भी सिखा देंगे, और कैसे मैं लैपटॉप का कीबोर्ड, इनबिल्ट कीबोर्ड रिप्लेस कर रहा है वो भी सीख लेंगे आप लोग, अगर ये वीडियो पूरा वॉच करोगे तो। अगर वीडियो स्किप करोगे तो आप लोगों को सीखने नहीं मिल पाएगा, इसीलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। कहाँ गए मिल गए। मैं इस पे हर पार्ट्स लैपटॉप का इस पे रखेंगे, जितना सारा सामान है रखेंगे। सोल्डिंग आयरन को मैं लगा रहा है, बस अभी वो आराम से हीट होते रहेगा तब तक मेरा लैपटॉप पूरा ओपन हो जाएगा, फिर जाके इसका कीबोर्ड को निकालेंगे और नया कीबोर्ड जिसका बैकलाइट नहीं है उसको पहले बैकलाइट बनवाएंगे, और बैकलाइट बनवाएंगे उसके बाद उसको पैकिंग करेंगे अच्छा से। तो अभी देखो ये कवर कैसे खुल रहा है, आराम से खुलने का, जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं। देखो खुल गए, ओके देख लो। और ये बहुत सेंसिटिव मदरबोर्ड है, बहुत आराम से करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मदरबोर्ड भी डेड हो सकता है। अभी देख लीजिए ये पूरा जितना है ये मदरबोर्ड, ये लैपटॉप ऐसे ही प्रॉब्लम है कि ऊपर से कीबोर्ड नहीं है, इसको कीबोर्ड चेंज करने के लिए लैपटॉप का पूरा पार्ट्स इसको निकालना पड़ेगा, फिर तब जाके ये कीबोर्ड निकालेगा। अभी ये सीपीयू का साइड पे कवर भी लगा के रखा है, फैन सीपीयू का। ये लैपटॉप बहुत अच्छा लैपटॉप भी है, और कीबोर्ड अगर ख़राब हो गए किसी का नसीब तो सोच लीजिए ये लैपटॉप बहुत बुरा है, क्योंकि पूरा लैपटॉप ही ओपन करना पड़ेगा। अब ये हार्ड डिस्क निकल रहा है, स्क्रू खुल नहीं रहा है आराम से, इसको देखना पड़ेगा। चलो खुल गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो ये हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, इसके अंदर सब डेटा रहता है। और अब लोग प्लीज़
ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि लैप में सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का ही इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर सपोर्ट भी चाहिए कि आप लोगों का हार्डवेयर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ भी इशू आ रहा है लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, एनी टाइम आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को मेरा इनबॉक्स पे भी मैसेज दे सकते हैं, मैं रिप्लाई करेंगे, ज़रूर रिप्लाई करेंगे और ऑल टाइम में सपोर्ट देते रहेंगे। चलो ये पूरा निकल रहा है, और कुछ टाइम के लिए मैं वीडियो को भी मैं स्टॉप करके रखेंगे, फिर इसका पूरा कार्यक्रम करेंगे, फिर जाके आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका मदरबोर्ड और कीबोर्ड कैसे इसको पैकिंग करना है। ओके, अभी बैटरी निकल रहा है। ये बैटरी है लैपटॉप का, अगर आप लोगों को ज़रूरत है कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कुछ भी रिलेटेड काम का दिक्कत होगा तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों का हेल्प करेंगे। और आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं, मेरे पास बहुत सारा लैपटॉप आता है प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर के भी रिलेटेड आता है वीडियो, उसके बाद मेरे पास हार्डवेयर रिलेटेड भी वीडियो आता है। ठीक है, तो मैं हर तरीके का वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ये मेरा नया चैनल है, बस नया नया स्टार्ट हुआ। अगर आप लोग पहले से सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप लोग भी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, और अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनोगे तो आपका अगर लैपटॉप है वो लैपटॉप को खुद मेंटेनेंस कर पाओगे। नमस्कार, मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को दिखाएंगे कैसे पैकिंग करना है और कीबोर्ड कैसे लगाना है।